गाड़ी के अंदर फोटो रेंदे रेंदे लाइव रेंदे अच्छा लग रहा है। अरे चाहिए वो अभिषेक 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 उमेश जी उमेश जी उमेश सर आप भी आइए नीचे खड़े रहके करा दे नीचे खड़े रहके करा दे सेंटर सेंटर पीछे का लाइट बंद करो पीछे का लाइट पीछे का लाइट आ रहा हूँ नीचे लेना तेरे को तो नीचे से वहाँ पे नीचे लेना हेलो बैकअप यस और लाइट के पास लेके जा लाइट के इधर रखिएगा तुम लोग लाइट डाउन उधर निकल यस सर क्या मत करो आप अंदर होते ले ले मत सोलो 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 एक बाकी है हो जा ये साइड बोलो ये भाई रुक रहे कपूर साहब अभिषेक अभिषेक थैंक यू चलो ऊपर चलो 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 बैकअप 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 साइड पीस साइड पीस प्लेयर 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 अरे सर बैठो सर फोटोग्राफर अरे बैठो यार पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा वेरी गुड अच्छा लगा बस तो यही फिल्म का फ्लेवर पे ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मजा आएगा एंटरटेनिंग फैमिली एंटरटेन ये फैमिली फिल्म है लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए आप लोग बात कर लो अच्छा ठीक तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे ये मेरा दावा है और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएंगे जो भी गिले शिकवे हैं फैमिली में अंदर अंदर रहती है किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप सब क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा मेरे मिस्टर भल्ला ऋषि कपूर साहब प्लीज़ आइए
हमारी माता जी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन, प्लीज। हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहां पर हैं, किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए, बट आई प्लीज कॉल अपॉन, प्लीज श्याम जी आइए, वरुण प्लीज कम, श्याम बजाज और वरुण मदर, चिराग प्लीज कम, नरेंद्र जी हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज समझ से ऊपर करो विनोद, विनोद भानुशाली प्लीज सर, नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए, अभी क्या करें आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओ माय गॉड के बाद फिर से थ्री वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के, हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछू ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आप थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊ वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है, तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफी सारे सवाल थे, और नीचे जाए तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए, तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। Should we have each member of the film to say something about, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हुज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ऋषि जी, शुड वी स्टार्ट विद यू? वेरी गुड आइडिया। नमस्ते सब, गुड इवनिंग। ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि दो चीज़ बताऊंगा इस फिल्म में। एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर चार धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं, ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ
मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में, तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में और एलैबोरेट करूँ तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूँगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आज यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेज हैं, आज उनका डेब्यू है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे, आज उनका डेब्यू है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरी नमस्कार। आई कैन स्पीक इन मलयालम आल्सो, ओके ग्रेट। नो, एज यू ऑल मस्ट हैव सीन द मोशन पोस्टर ऑफ ऑल इज वेल, इट्स बीन अ जर्नी एंड अ ब्यूटिफुल वन आई मस्ट से विद ऑल ऑफ दीज लवली पीपल हियर। So we, I think we are here at the best part of the journey where we bring our film to you, and I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir again, Supriya ma'am. I mean, it's been lovely, the producers. So it's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. We hope that you like it, what we have to offer. Namaste. Welcome to everybody here. Director, sir. Jo, jitla loko samajhta hai, etlu boli dao. Pachre vajai. They don't want me to speak because Gujarati kisi ko samajh mein nahi aayegi, to main jo bhi bolungi, it's okay. Yeah. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ सर। एनीवे, बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में, और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे। और नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट हूँ, अब आप बोलो। ओके, आई थिंक मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं। शुड वी बिगिन विद एनीवन? आलोक, आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है, चलिए चलिए शुरू हो जाइए। चिक आगे। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है। उमेश जी, लेडी डज दी ऑनर्स हियर। ओ माय गॉड, जो आपकी फिल्म थी जी, उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी, लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी। क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्की फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करें तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है। झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके। पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है। अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है जी। हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम। मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि 5 फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल। तो आप प्लीज थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा। जी, बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे। अमरक बरांतिन में इतना रहे। ओ, तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ,
क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में. डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फैन था. सो आई यूज्ड टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑफ चिंटू अंकल. यस मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पद चिन्ह पे वह चलें. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है. और आप देखेंगे इस फिल्म में हमने, असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है. हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम पिंकविला. हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम. हाय उर्वी, हाय, हाउ इज योर एग्जाम? डिड यू पास? द रिजल्ट्स आर अवेटेड. ओके अभिषेक, यू आल्सो हैव अ डांस नंबर विद सोनाक्षी इन द फिल्म. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? Yeah, he'll do it now. Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point obviously we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track. And you know, when you're doing a film with somebody like Umesh and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely, the whole thing was a lot of fun. Not just that one song. All the music was great fun. Umesh ji? Sir, trailer ke khas frame mein kitab ki copy jal rahi hai, which I'm, if I'm not wrong, it is Secret by Rhonda Boyne. Kya us kitab ka ya usme likhi baaton kuch khas connection hame film mein dekhne ko milega? Ji, bahut lamba connection hai, pura track hai us cheez ko lekar ki ek jo hamari Aasin madam jo hai, hamari film ki heroine hai, un wo jo hamesha us cheez mein manti hai ki jo hona hai wo hokar hi rehta hai, jo secret jo kitab hai uska bhi wahi philosophy hai, wo kitab ki philosophy wahi hai. She always believes in that book. और जब वो चीज उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है. That's the पूरा track है, पूरी फिल्म में चलेगा वो. अभिषेक, सोनिका है. Hi. मैं पूछना चाहूंगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही इन्हों लोगों को बहुत पसंद आया. आप लोग के जो केमिस्ट्री थी, आपके और बच्चन जी की जो थी, बहुत ही पसंद आई लोगों को. अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू जी क्यों नहीं कहा? सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला. मतलब आपके मन में था वो जी. चोर था तुम्हारे मन में. तो उनके साथ काम, उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी नोबडी कैन परफॉर्म अ सॉन्ग लाइक चिंटू अंकल. एंड इट वाज माय ड्रीम. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो. सो ही गेव अस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रहना तू, बट दैट वाज इन द बैकग्राउंड. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं. एंड वन ऑफ माय कंडीशंस टू उमेश वाज कि एक नहीं, मुझे कम से कम दो गाने चाहिए इनके साथ. सो थैंकफुली वी ऑल गॉट वेरी लकी बिकॉज वी गॉट टू परफॉर्म विद हु वी कंसीडर टू बी द बेस्ट. तो बहुत मजा आया एंड ही इज स्टिल द बेस्ट, ही इज फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच अभिषेक सर. या इन द मिडिल. या हाय
ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन टू द टीम, और आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने 15 साल पूरे के बॉलीवुड में। धन्यवाद। जो आपने अभी जो आपका कैरेक्टर हमने बाहर पोस्टर देखे तो वहां पे लिखा है अ सेल्फिश सन, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हम देख रहे हैं तो एक लॉयल, एक बहुत यू नो जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है। तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, कहानी जो है देयर हैज टू बी एन आर्क, देयर हैज टू बी अ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर। जब ये फिल्म शुरू होती है एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम्स, मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है। थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था। सो आई थिंक द मूवी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन एंड बाय द एंड ऑफ इट होपफुली ही रिडीम्स हिमसेल्फ। मुझे लगता है जैसे उमेश ने पहले भी कहा कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, आई थिंक वंस दे कम आउट दे विल क्वेश्चन देमसेल्व्स। आई रिमेंबर टेलिंग उमेश द फर्स्ट टाइम ही नरेटेड द फिल्म टू मी दैट द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली वेंट बैक एंड हग्ड माय पेरेंट्स। कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में एंड एंड आई होप दैट्स व्हाट द ऑडियंस कैन डू एज वेल। इट मेक्स यू रियलाइज, आई एम श्योर फॉर चिंटू अंकल एंड सुप्रिया जी दे हैड अ डिफरेंट इमोशन एंड अ डिफरेंट जर्नी, बट फ्रॉम आई कैन स्पीक फॉर आस इन इफ आई मे, as children it really makes you question ki what all we are doing for our parents. Aaj ke mahol mein I feel there's so much competition, bhag daud itni ho gayi hai ki we forget the small gestures, just going back, spending time with your parents, unke sath baat cheet kare, khana khaye, we forget these things in today's generation, and I really hope that after seeing this film we can make a change in that. असिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक, इतना साल जो आपका जो गैप रहा है एक डेढ़ साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप, कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? ही वाज वर्किंग ऑन ऑल इज वेल, ही वाज कंसंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन ऑल इज वेल। आई एग्री टू दैट। मेरा सवाल डायरेक्टर से है, स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूँ, तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में, जो पहले था वैसे ही स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट। सुप्रिया जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट फैमिली, सो टॉकिंग अबाउट योर रियल लाइफ फैमिली, शाहिद इज गोना गेट मैरिड वेरी सून, सो व्हाट आर द प्रिपरेशंस लाइक, इफ यू वुड लाइक टू शेयर? आई विल टॉक अबाउट द फिल्म, my family in the film, I agree to that. mera sawal director se hai, smriti irani ke exit ke baad kitne changes kiye the plot mein supriya ji ke characters ke? bilkul bhi nahi kiye, kyunki script ko compromise mein kabhi karta hi nahi hu, to ek bhi aisa koi change nahi kiya hai script mein, jo pehle tha waise hi script hai, in fact thodi better hui hai script. yeah, supriya ji, my question is for you here. This film is all about family, so talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon, so what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film, my family in the film, Abhishek was just saying that the children will learn from this film, I think the parents will also learn that how many things we do wrong. And we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening. But it's like a normal wedding house, I suppose. The film's releasing on the 21st of August. Lekin Abhishek, maine suna ek surprise hai aapke paas hamare liye. Strip? So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ऐतराज सुनी है कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है, प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसे चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उड़ाया? बोलिए। अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ चिंटू अंकल, वो क्या है कि द नाइट बिफोर आई केम टू योर हाउस यू फेड मी नाइसली,
the night before we were all having dinner at Chintu uncle's house and we got nice non-veg food. Se tandurusti badi hum log ki. Next day when I came and I stood there, then there you were, Supriya ji also. I hope you all were comfortable. But all because of you, Chintu uncle. Yeah. Hi Abhishek. Hi Abhishek. That'll be the last question, thank you. Yeah. Abhishek, you're, you know, both Mr. Kapoor. Sorry, I don't know where you are. Hi, here. Yeah. Hello. On your, it's fine. Hello. Where? Side. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, hi, hi. Hi, hi. Hello, hi. Abhishek, you know, both Mr. Rishi Kapoor and you are very active on Twitter, most like most celebrities. And what I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You recently faced something like that and you reacted to a situation where you were deeply hurt by comments made. Do you sometimes think it becomes extremely difficult because as celebrities you're supposed to show a certain amount of patience and interact with your fans, but then you kind of also become vulnerable and you're unable to show your emotions properly and you need to, you can't lose your... You know. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to. I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that. And I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her, and nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far, and he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. I think when you're in the public domain, it's important to allow freedom of speech. It's your constitutional right. But I'm allowed to take objection to what you say. And since it is my platform and he tweeted something to me, I replied back to him. It was a message that I did directly to him. I didn't do it publicly. That was it. It's the end of the matter. And if you're on Facebook or Twitter or Instagram, this is going to happen. And it's healthy and it's fine and it's fun sometimes. Abhishek, well answered there and on the Twitter medium as well. Maybe please take questions regarding the film and we have only two questions. Thank you. Abhishek, hi. Yes. Towards your left. Here. Hi. Hi. Akanksha here from 9XM. Thank you, Akanksha. You're the first person who's introduced yourself. I appreciate that. Thank you. Thank you. Abhishek, it's a T-series film. I mean, anybody well can done. Anybody can answer that. That's open to all. You know, music is an important part of the film and that is what pulls people to the theatres. Is there some song, that's going to be like a chart buster according to well, you? Well, as people associated with the film, we think every song should be that. At the end of the day, the audience decides. I'm very confident. I think it's a fantastic album. I think Bhushan has a fantastic ear for music. Coupled with Umesh, I think they've done a brilliant job. All the composers that have worked on the film have done a great job. And music is an integral part of our films. It's part of our culture. We have a musical culture. It's only normal that that is going to come down in our films. It is a very important part. And I'm very confident of the album that we have. I think we have a mix of everything, you know, all kinds of songs. And I really do, I'm very excited about the album because I'm dying to get my hands on it so I can hear it. It's they're wonderful songs, and I think you'll enjoy them. Good evening. I have one more question. आप आदर्श बेटे हैं वैसे तो हम सब लोगों के सामने. That's what that's the image that we have of the relationship that you share with your father. But has there been any instance? has there been any instance जब आपके और मिस्टर बच्चन के बीच में कभी differences हुए हो? First, let me just think how she's going to make a headline tomorrow. No. Kyunki wo mujhe beta mante hi nahi hai. He treats me like his friend. Unhone mujhe bachpan mein ye sikhaya tha ki unke jo pita ji the, unhone jo mere dada ji hain, unhone unse kaha tha ki jis din aapke bete aapke joote pehenna shuru kar de, he stops being your son and he becomes your friend. And ever since I think I was 10 or 11, I started wearing my dad's shoes. And metaphorically, I still haven't managed to fill his shoes, but I'm trying.
But my dad is my friend. So, okay, you don't want the answer? Oh, okay. So, so no, he never disagrees. He's very supporting. And whatever I do, if he might have a difference of opinion, he still gives me the opportunity to explain why I chose something and what my feelings were, and then he trusts me. So no, we haven't had any disagreement. Rishi ji, you with regards to Ranbir, kabhi hua hai aisa kuch? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only. Okay, that was To everyone on the platform, the stage, first of all, congratulations, I'm here. Beverly from NDTV. Hi. Hello. Okay, that's the last question. Hello. Thank How you. Are you. I'm very good, and it's good to see that all is well on stage. Thank you. And unfortunately, all is not well at FTII. You must have heard about the student protests that are happening at FTII. Would you like to make any comment on that? Because the students, I'm sure you're aware of why they're protesting, because they feel I don't think, Beverly, this would be the appropriate platform to do that. Okay. You know, being here to release the trailer of a film is not the right platform. If we meet at a more somber occasion, I think that would be a better platform to answer. Thank you, Abhishek, for being and a fabulous... We have one more question, please. No, thank you very much. We'd like the photo. No, ask. We have lots of time. Ask. It's for the director, Mr. Umesh. You're myself, Vaishali Chandra from Koimoi. So as we from? Can see, Koimoi.com. Koimoi, thank you. Koimoi.com, okay. Yeah. As we can see, I would like to know what is the time frame, because humne dekha hai bahut limited costumes mein humne characters ko dekhe hai on screen. So kya time frame hai? Is it just 1-2 days? No, time frame is 48 hours. The days, the story. Yeah, story is 48 hours. 2 days, yeah. Thank you. Hello, Umesh. Umesha, over here, towards your left. Right, sorry. Right. Yeah, yes. You decide. Oh, yeah. क्या आपके माइंड में कभी ये था कि आप अमित सर और अभिषेक बच्चन को ये मूवी में कास्ट करें एक साथ? नहीं, ये आइडिया कभी नहीं नहीं था. चिंटू अंकल, व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज दैट नोबडी एल्स कैन प्ले दिस रोल बट हिम. एंड व्हेन उमेश फर्स्ट नरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, इवन बिफोर वी फिनिश्ड द नरेशन, वी बोथ ऑलरेडी न्यू दैट वी वांटेड टू गो बैक चिंटू अंकल टू डू द फिल्म. And I was narrating at that time only. I was telling him कि ये चिंटू जी करेंगे. तो पहले से वो तय था. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा. मेरे राइटर्स यहाँ पे, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. सुमित एंड नीरेन, जस्ट वेव. अब हम देखें वो गाना जो धमाका करने वाली है चार शनिवार. और लेकिन इससे पहले एक फोटो ऑप हो जाए साई टीम के साथ प्लीज. खाली बस अरे थोड़े दो बाद में बैठ जाएंगे. फोटो ले लो, फोटो बाद में बैठ जाएंगे. अभी कैन यू हैव अ स्टेप बिफोर यू गेट ऑन दैट स्टेज, क्योंकि वो गाना बहुत ही बड़ा होने वाला है. ऑलराइट, वो गाना जो बहुत धमाका करने वाली है चार शनिवार. प्लीज कोई भी रिकॉर्ड उसे ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है सारी ऑडियंस के लिए.
Let's keep that as a surprise for the people who haven't watched it. You are the privileged audience today. Ho jaye, all is well say. रुको यार, अरे रुक ना भाई, गाड़ी से तो निकल दे, अरे पीछे हो, सब लोग पीछे हो। सर एक बार, सर एक बार ओ भाई साहब, अरे हाँ बाबा तुम लोग चलो 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 आपकी एंट्री में वो नहीं है, संभाल संभाल पीछे संभाल, मौली क्या नमस्ते ना, अरे तू हो अभी आगे अंदर मत जा, इधर इधर ये गंदा हो जाएगा रे, क्या है वो आएंगे फिर आपको ना, वो वापस इधर इधर, एक मिनट एक मिनट भाई, भाई साहब ये शॉट के लिए, ये शॉट के लिए अंदर आइए, मत कर यार ये इसके पीछे मत जाओ प्लीज, मेरा भाई पवन जी बीच में है, अच्छा ये दिखाएगा अंकुर, यहां ना तब नहीं जाएगा ना, सुनिए एक तो अभी बारिश हुई थी, डे लाइट जा रही, एक शॉट ले लें दो, तब तक प्लीज क्विकली हट जाओ, चलो 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 देखो वो प्यार से बोल रहा है, क्विकली हट जाओ, एक ग्रुप फोटो आ गया, पीछे 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 हो गया, अरे रुक जा, दो मिनट बाद देना, अरे थोड़ा थोड़ा पीछे हो गया, हट जाओ सब, अरे थोड़ा पीछे हो गया, एक ग्रुप फोटो, एक ग्रुप फोटो, थोड़ा पीछे हो गया, वन नहीं नहीं हम लोग जाएंगे यार, चलो चलो सर आप भी आइए, चलो भगा लीजिए हम लोग,
स्पीकर। Ali! Thank you.
बैठे यहाँ भी नहीं, गाड़ी के अंदर फोटो रेंदे रेंदे लाइव रेंदे अच्छा लग रहा है, अच्छा अरे चाहिए वो अभिषेक 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 उमेश जी उमेश जी उमेश सर आप भी आइए नीचे खड़े रहके करा दे थोड़ा नीचे खड़े रहके करा दे सर सेंटर सेंटर पीछे का लाइट बंद करो पीछे का लाइट पीछे का लाइट आ रहा हूँ नीचे लेना तेरे को तो नीचे से क्या नहीं वहाँ पे यस और लाइट के पास लेके जा लाइट के इधर रखिएगा तुम लोग लाइट डाउन उधर निकलेगा सोलो 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 ये साइड बोला यार ये भाई रुक रहे कपूर साहब अभिषेक अभिषेक इधर खड़े क्या दोनों उधर ही चले गए थैंक यू चलो ऊपर पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा लगा। बस तो यही फिल्म का फ्लेवर पे, ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मजा आएगा। एंटरटेनिंग फैमिली एंटरटेन, ये फैमिली फिल्म है, लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए। आप लोग बात कर लो। अच्छा ठीक, तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना। आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएंगे। जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर अंदर रहती है, किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा, मेरे मिस्टर भल्ला ऋषि कपूर साहब प्लीज़ आइए। हमारी माता जी सुप्रिया जी
मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन, प्लीज। हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर हैं, किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए, बट आई प्लीज कॉल अपॉन, प्लीज श्याम जी आइए, वरुण प्लीज कम, श्याम बजाज और वरुण बजाज, चिराग प्लीज कम, नरेंद्र जी, हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज कमन से, विनोद विनोद भानुशाली प्लीज सर, नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए, नाउ अभी क्या करें आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से थ्री वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के, हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछू ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है, तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आप थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊ वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है, तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफी सारे सवाल थे, और नीचे जाए तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए, तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। Should we have each member of the film to say something about, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हुज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ऋषि जी शुड वी स्टार्ट विद यू, वेरी गुड आइडिया, नमस्ते सब, गुड इवनिंग, ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि दो चीज़ बताऊंगा फिल्म में, एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर चार धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं, ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में,
तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा इसके बारे में और एलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूंगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आज यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेज हैं, आज उनका डेब्यू है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे, आज उनका डेब्यू है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरी नमस्कार। आई कैन स्पीक इन मलयालम आल्सो, ओके ग्रेट। नो, एज यू ऑल मस्ट हैव सीन द मोशन पोस्टर ऑफ ऑल इज वेल, इट्स बिन अ जर्नी एंड अ ब्यूटिफुल वन आई मस्ट से विद ऑल ऑफ दीज लवली पीपल हियर। सो वी आई थिंक वी आर हियर एट द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वेयर वी ब्रिंग आवर फिल्म टू यू एंड I hope that all is well, and it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir. Again, Supriya ma'am, I mean it's been lovely, the producers, so it's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. We hope that you like it, what we have to offer. Namaste, welcome to everybody here. જો જેટલા લોકો સમજતા એટલું બોલી દઉં પછી રેવા જોઈએ, દે ડોન્ટ વોન્ટ મી ટુ સ્પીક બીકોઝ ગુજરાતી કિસી કો સમજ મે નહીં આયેગી તો મેં જો ભી બોલુંગી ઇટ્સ ઓકે। મેં પંજાબી ભી બોલ સકતી હું સર, એનીવે બહોત મઝે આયે યે ફિલ્મ કરને મેં ઓર આઈ એમ શ્યોર કે આપકો દેખને મેં ઉતને હી મઝે આયેંગે। और नहीं बोलूंगी मैं, लास्ट हूँ, अब आप बोलो। ओके, आई थिंक मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं। शुड वी बिगिन विद एनीवन? आलोक आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है, चलिए चलिए शुरू हो जाइए। चिक, आगे। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है। उमेश जी, लेडी डज द ऑनर्स हियर। ओ माय गॉड, जो आपकी फिल्म थी जी, उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी, लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी। क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्के फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करें तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है, झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके। पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है। अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है जी। हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम। मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि पांच फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल। तो आप प्लीज थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा। जी, बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे। अमरक बरांतिन में इतना रहे। ओ, तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर
और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में. डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फैन था. सो आई यूज़ टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑफ चिंटू अंकल. यस मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पद चिन्ह पर चलें. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है. और आप देखेंगे इस फिल्म में, हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है. हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम पिंकविला. हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम. हाय उर्वी, हाय, हाउ इज योर एग्जाम? डिड यू पास? द रिजल्ट्स आर अवेटेड. ओके अभिषेक, यू आल्सो हैव अ डांस नंबर विद सोनाक्षी इन द फिल्म. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? Yeah, he'll do it now. Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point obviously we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track. And you know, when you're doing a film with somebody like Umesh and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely, the whole thing was a lot of fun. Not just that one song. All the music was great fun. Umesh ji? Sir, trailer ke khas frame mein kitab ki copy jal rahi hai, which I'm, if I'm not wrong, it is Secret by Rhonda Boyne. Kya us kitab ka ya usme likhi baaton kuch khas connection hame film mein dekhne ko milega? Ji, bahut lamba connection hai, pura track hai us cheez ko lekar ki ek jo hamari Asin madam jo hai, hamari film ki heroine hai, un wo jo hamesha us cheez mein manti hai ki jo hona hai wo hokar hi rehta hai, jo secret jo kitab hai uska bhi wahi philosophy hai, wo kitab ki philosophy wahi hai. She always believes in that book. और जब वो चीज उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है. That's the पूरा track है, पूरी film में चलेगा वो. अभिषेक, सोनिका है. Hi. मैं पूछना चाहूंगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही इन्हों लोगों को बहुत पसंद आया. आप लोग के जो केमिस्ट्री थी, आपके और बच्चन जी की जो थी, बहुत ही पसंद आई लोगों को. अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू जी क्यों नहीं कहा? सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला. मतलब आपके मन में था वो जी. चोर था तुम्हारे मन में. तो उनके साथ काम, उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, आप अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी नोबडी कैन परफॉर्म अ सॉन्ग लाइक चिंटू अंकल. एंड इट वाज माय ड्रीम. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो. सो ही गेव अस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रहना तू, बट दैट वाज इन द बैकग्राउंड. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं. एंड वन ऑफ माय कंडीशंस टू उमेश वाज कि एक नहीं, मुझे कम से कम दो गाने चाहिए इनके साथ. सो थैंकफुली वी ऑल गॉट वेरी लकी बिकॉज वी गॉट टू परफॉर्म विद हु वी कंसीडर टू बी द बेस्ट. तो बहुत मजा आया एंड ही इज स्टिल द बेस्ट, ही इज फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच अभिषेक सर. या इन द मिडिल. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा. कांग्रेचुलेशन टू द टीम. और आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने 15 साल पूरे के बॉलीवुड में. धन्यवाद.
जो आपने अभी जो आपका कैरेक्टर हमने बाहर पोस्टर देखे तो वहां पे लिखा है अ सेल्फिश सन, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हम देख रहे हैं तो एक लॉयल, एक बहुत यू नो जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है. तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. जी देखिए, कहानी जो है देयर हैज टू बी एन आर्क, देयर हैज टू बी अ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर. जब ये फिल्म शुरू होती है एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम्स, मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है. थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था. सो आई थिंक द मूवी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन एंड बाय द एंड ऑफ इट होपफुली ही रिडीम्स हिमसेल्फ. मुझे लगता है जैसे उमेश ने पहले भी कहा कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, आई थिंक वंस दे कम आउट दे विल क्वेश्चन देमसेल्व्स. आई रिमेंबर टेलिंग उमेश द फर्स्ट टाइम ही नरेटेड द फिल्म टू मी दैट द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली वेंट बैक एंड हग्ड माय पेरेंट्स. कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में एंड एंड आई होप दैट्स व्हाट द ऑडियंस कैन डू एज वेल. इट मेक्स यू रियलाइज, आई एम श्योर फॉर चिंटू अंकल एंड सुप्रिया जी दे हैड अ डिफरेंट इमोशन एंड अ डिफरेंट जर्नी, बट फ्रॉम आई कैन स्पीक फॉर आस इन इफ आई मे एज चिल्ड्रन इट रियली मेक्स यू क्वेश्चन कि व्हाट ऑल वी आर डूइंग फॉर आवर पेरेंट्स. आज के माहौल में आई फील देयर सो मच कॉम्पिटिशन, भाग दौड़ इतनी हो गई है कि वी फॉरगेट द स्मॉल जेस्चर्स, जस्ट गोइंग बैक स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स, उनके साथ बातचीत करें, खाना खाएं. वी फॉरगेट दीज थिंग्स इन टूडेज जनरेशन एंड आई रियली होप दैट आफ्टर सीइंग दिस फिल्म वी कैन मेक अ चेंज इन दैट. असिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक. इतना साल जो आपका जो गैप रहा एक डेढ़ साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? ही वाज वर्किंग ऑन ऑल इज वेल, ही वाज कंसंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन ऑल इज वेल. आई एग्री टू दैट. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूँ. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में, जो पहले था वैसे ही स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. सुप्रिया जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर. दिस फिल्म इज ऑल अबाउट फैमिली, सो टॉकिंग अबाउट योर रियल लाइफ फैमिली, शाहिद इज गोना गेट मैरिड वेरी सून, सो व्हाट आर द प्रिपरेशंस लाइक, इफ यू वुड लाइक टू शेयर? आई'ल टॉक अबाउट द फिल्म. My family in the film, I always will. I agree to that. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूँ. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में, जो पहले था वैसे ही स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. सुप्रिया जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर. This film is all about family. So talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon. So what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, Abhishek was just saying that the children will learn from this film. I think the parents will also learn that how many things we do wrong. And we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening. But it's like a normal wedding house, I suppose. The film's releasing on the 21st of August. Lekin Abhishek, maine suna ek surprise hai aapke paas hamare liye. Strip? So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप लोगों को ऐतराज सुनी है या कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है. प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसे चीज में सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उड़ाया? बोलिए. अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ चिंटू अंकल. वो क्या है कि द नाइट बिफोर आई केम टू योर हाउस यू फेड मी नाइसली. द नाइट बिफोर वी वॉल हैविंग डिनर चिंटू अंकल्स हाउस एंड वी गॉट नाइस नॉन वेज फूड.
से तंदुरुस्ती बढ़ी हम लोग की. नेक्स्ट डे व्हेन आई केम एंड आई स्टूड देयर देन देयर यू वर सुप्रिया जी आल्सो. आई होप यू ऑल वर कंफर्टेबल बट ऑल बिकॉज ऑफ यू चिंटू अंकल. या Hi Abhishek. That'll be the last question. Thank you. Yeah, Abhishek, you're, you know, both Mr. Kapoor. Sorry, I don't know where you are. Hi, here. Yeah. Hello. On your, it's fine. Hello. Where? Side. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, hi, 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 hi. Hello, hi. Abhishek, you know, both Mr. Rishi Kapoor and you are very active on Twitter, most celebrities, and what. I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You recently faced something like that and you reacted to a situation where you were deeply hurt by comments made. Do you sometimes think it becomes extremely difficult because as celebrities you're supposed to show a certain amount of patience and interact with your fans, but then you kind of also become vulnerable and you're unable to show your emotions properly and you can't lose your... You know. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to. I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that. And I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her, and nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far, and he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. I think when you're in the public domain, it's important to allow freedom of speech. It's your constitutional right. But I'm allowed to take objection to what you say. And since it is my platform and he tweeted something to me, I replied back to him. It was a message that I did directly to him. I didn't do it publicly. That was it. It's the end of the matter. And if you're on Facebook or Twitter or Instagram, this is going to happen. And it's healthy and it's fine and it's fun sometimes. Abhishek, well answered there and on the Twitter medium as well. Maybe please take questions regarding the film, and we have only two questions. Thank you. Abhishek, hi. Towards your left. Hi. Hi, Akanksha here from 9XM. Thank you, Akanksha. You're the first person who's introduced yourself. I appreciate that. Thank you. Thank you. Abhishek, it's a T-series film. I mean, Well done. Anybody can answer that. That's open to all. You know, music is an important part of the film, and that is what pulls people to the theaters. Is there some song, that's going to be like a chart buster, according to you? Well, as people associated with the film, we think every song should be that. At the end of the day, the audience decides. I'm very confident. I think it's a fantastic album. I think Bhushan has a fantastic ear for music. Coupled with Umesh, I think they've done a brilliant job. All the composers that have worked on the film have done a great job. And music is an integral part of our films. It's part of our culture. We have a musical culture. It's only normal that is going to come down in our films. It is a very important part. And I'm very confident of the album that we have. I think we have a mix of everything, all kinds of songs. And I really do, I'm very excited about the album because I'm dying to get my hands on it so I can hear it. It's they're wonderful songs, and I think you'll enjoy them. Good evening. I have one more question. आप आदर्श बेटे हैं वैसे तो हम सब लोगों के सामने. That's what that's the image that we have of the relationship that you share with your father. But has there been any instance? has there been any instance जब आपके और मिस्टर बच्चन के बीच में कभी differences हुए हो? First, let me just think how she's going to make a headline tomorrow. No. Kyunki wo mujhe beta mante hi nahi hai. He treats me like his friend. Unhone mujhe bachpan mein ye sikhaya tha ki unke jo pita ji the, unhone jo mere dada ji hain, unhone unse kaha tha ki jis din aapke bete aapke joote pehenna shuru kar de, he stops being your son and he becomes your friend. And ever since, I think I was 10 or 11, I started wearing my dad's shoes. And metaphorically, I still haven't managed to fill his shoes, but I'm trying. But my dad is my friend. So, okay, you don't want the answer? Oh,
Okay. So, so no, he never disagrees. He's very supporting. And whatever I do, if he might have a difference of opinion, he still gives me the opportunity to explain why I chose something and what my feelings were, and then he trusts me. So no, we haven't had any disagreement. Rishi ji, you with regards to Ranbir, kabhi hua hai aisa kuch? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only. Okay, that To everyone on the platform, the stage, first of all, congratulations, I'm here. Beverly from NDTV. Hi. Hello. Okay, that's the last question. Hello. Thank you. You. I'm very good, and it's good to see that all is well on stage. Thank you. And unfortunately, all is not well at FTII. You must have heard about the student protests that are happening at FTII. Would you like to make any comment on that? Because the students, I'm sure you're aware of why they're protesting, because they feel I don't think, Beverly, this would be the appropriate platform to do that. Okay. You know, being here to release the trailer of a film is not the right platform. If we meet at a more somber occasion, I think that would be a better platform to answer. Thank you, Abhishek, for being and a fabulous... We have one more question, please. No, thank you very much. We'd like the photo. No, ask. We have lots of time. Ask. It's for the director, Mr. Umesh. You're myself, Vaishali Chandra from Koimoi. So as we from? Can see, Koimoi.com. Koimoi, thank you. Koimoi.com, okay. Yeah. As we can see, I would like to know what is the time frame, because humne dekha hai bahut limited costumes mein humne characters ko dekhe hai on screen. So kya time frame hai? Is it just 1-2 days? No, time frame is 48 hours. The days, the story. Yeah, story is 48 hours. 2 days, yeah. Thank you. Hello, Umesh. Umesha, over here, towards your left. Right, sorry. Right. Yeah, yes. You decide. क्या आपके माइंड में कभी ये था कि आप अमित सर और अभिषेक बच्चन को ये मूवी में कास्ट करें एक साथ? नहीं. ये आइडिया कभी? नहीं, नहीं था. चिंटू अंकल, when you see the film, you'll realize that nobody else can play this role but him. And when Umesh first when Umesh first narrated the script to me, even before we finished the narration, we both already knew that we wanted to go beg Chintu Uncle to do the film. When I was narrating at that time only, I was telling him ki ye Chintu ji karenge. To pehle se wo tay tha. Acha, main kuch kehna chahunga. Mere writers yahan pe, please give a big round of applause for them. Sumit and Niren, just wave. अब हम देखें वो गाना जो धमाका करने वाली है चार शनिवार. और लेकिन इससे पहले एक फोटो ऑप हो जाए साई टीम के साथ प्लीज. अरे उठाओ क्या, ऐसा मत कर यार, सब लोग खड़े हैं. इंदु भाई, अपन जाओ करो. इंदु भाई, इंदु भाई, आइए भाई, बैठो ना. खाली बस अरे थोड़े अरे रुक ना भाई, गाड़ी से तो निकल दे. अरे पीछे हो, सब लोग पीछे हो. सर एक बार, सर एक बार हैंड से हाथ हिलाइए ना.
ओ भाई साहब अरे हाँ बाबा तुम ना चलो 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 आपकी एंट्री में वो नहीं है संभाल संभाल पीछे संभाल मौली क्या नमस्ते अरे तू हो अभी आगे अंदर मत जा इधर इधर ये गंदा हो जाएगा रे क्या है वो आएंगे फिर आपको ना वो वापस इधर इधर एक मिनट भाई साहब ये शॉट के लिए अंदर आइए इसके पीछे मत जाइए प्लीज मेरा भाई पवन जी बीच में अच्छा ये दिखाएगा अंकुर सही है ये सर एक साथ में आ गए सुनिए 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 एक तो अभी बारिश हुई थी हाँ डेलाइट जा रही है एक शॉट ले लें दो तब तक प्लीज क्विकली हट जाओ चलो 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 जो वो प्यार से बोल रहा है क्विकली हट
Ali! Abhishek!
उमेश जी आप भी आइए, नीचे खड़े रह के करा दे। सेंटर पीछे का लाइट ना, तेरे को तो नीचे से नहीं क्या वहाँ पे नीचे लेना थोड़ा यस, और लाइट के पास लेके जा, लाइट के इधर रखने का तुम लोग, लाइट डाउन उधर नहीं। यस सर, क्या करा सोलो एक बाकी है। भाई रुक रहे कपूर साहब, अभिषेक इधर खड़े क्या कर, थैंक यू चलो ऊपर पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा लगा। बस तो यही फिल्म का फ्लेवर, मैं ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मजा आएगा। एंटरटेनिंग फैमिली एंटरटेन, ये फैमिली फिल्म है, लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए। आप लोग बात कर लो। अच्छा ठीक, तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना। आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी, वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएंगे। जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर रहती है, किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा, मेरे मिस्टर भल्ला ऋषि कपूर साहब प्लीज़ आइए। हमारी माता जी सुप्रिया जी मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन, प्लीज।
हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर हैं, किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए, बट आई प्लीज कॉल अपॉन, प्लीज श्याम जी आइए, वरुण प्लीज कम, श्याम बजाज और वरुण बजाज, चिराग प्लीज कम, नरेंद्र जी, हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज कम ऑन से, विनोद विनोद भानुशाली प्लीज सर, नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए, नाउ अभी क्या करें आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से थ्री वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के, हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है, तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आपने थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊ वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है, तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफी सारे सवाल थे, और नीचे जाए तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए, तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। Should we have each member of the film to say something about, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हु इज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ऋषि जी शुड वी स्टार्ट विद यू, वेरी गुड आइडिया, नमस्ते सब, गुड इवनिंग, ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे वही कहानी बताते रहेंगे, ऐसा है कि दो चीज़ बताऊंगा इस फिल्म में, एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर चार धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं, ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के, मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में, तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे, अब जैसे मैंने पहले कहा इसके बारे में और एलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूंगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को, आज
वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेस हैं, आज उनका डेब्यू है. दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद. हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे. आज उनका डेब्यू है. दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद. हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं. तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले. तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरी नमस्कार. आई कैन स्पीक इन मलयालम आल्सो. ओके ग्रेट. नो, एज यू ऑल मस्ट हैव सीन द मोशन पोस्टर ऑफ ऑल इज वेल, इट्स बीन अ जर्नी एंड अ ब्यूटिफुल वन आई मस्ट से विद ऑल ऑफ दीज लवली पीपल हियर. So we, I think we are here at the best part of the journey where we bring our film to you, and I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir. Again, Supriya ma'am, I mean it's been lovely, the producers, so baby, it's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. We hope that you like it, what we have to offer. Namaste. Welcome to everybody here. Director sir, jo jetla loko samajta etlu boli dau pachre vaje. They don't want me to speak because Gujarati kisi ko samajh mein nahi aayegi, to main jo bhi bolungi it's okay. Yeah. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ सर. एनीवे, बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में, और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे. और नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट हूँ, अब आप बोलो. ओके, आई थिंक मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं. शुड वी बिगिन विद एनीवन? आलोक, आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है. चलिए चलिए, शुरू हो जाइए. चिक, आगे. उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है. उमेश जी, लेडी डज दी ऑनर्स हियर. ओ माय गॉड, जो आपकी फिल्म थी जी, उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी, लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्के फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करें तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है जी. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि पांच फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा. जी, बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. अमर अकबर एंथनी में इतना था. ओ, तुम्हारे याद है फोटो है? जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में. डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फैन था. सो आई यूज़ टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं, जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे, एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ चिंटू अंकल. यस मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ.
कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं। जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पदचिन्ह पे चलें। इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है। और आप देखेंगे इस फिल्म में, हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए। अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है। हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम पिंकविला। हाय अभिषेक, उर्वी और फ्रॉम। हाय उर्वी, हाउ इज योर एग्जाम? डिड यू पास? द रिजल्ट्स आर अवेटेड। ओके अभिषेक, यू आल्सो हैव अ डांस नंबर विद सोनाक्षी इन द फिल्म, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other, and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point, obviously, we get hungry. So we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing, and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track. And you know, when you're doing a film with somebody like Umesh, and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely, the whole thing was a lot of fun. Not just that one song. All the music was great fun. Umesh ji? Sir, trailer ke khas frame mein kitab ki copy jal rahi hai, which if I'm not wrong, it is Secret by Rhonda Boyne. Kya us kitab ka ya usme likhi baaton kuch khas connection hame film mein dekhne ko milega? Ji, bahut lamba connection hai, pura track hai us cheez ko lekar ki ek jo hamari Asin madam jo hai, wo hamari film ki heroine hai, un wo jo hamesha us cheez mein manti hai ki jo hona hai wo hokar hi rehta hai, jo secret jo kitab hai uska bhi wahi philosophy hai, wo kitab ki philosophy wahi hai. She always believes in that book. और जब वो चीज उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है. That's the पूरा track है, पूरी film में चलेगा वो. अभिषेक, सोनिका है. Hi. मैं पूछना चाहूंगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही इन लोगों को बहुत पसंद आया. आप लोग के जो केमिस्ट्री थी, आपके और बच्चन जी की जो थी, बहुत ही पसंद आई लोगों को. अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला. मतलब आपके मन में था वो जी. चोर था तुम्हारे मन में. तो उनके साथ काम, उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, आप अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी nobody can perform a song like Chintu Uncle. Yes. And it was my dream. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे एक, कम से कम एक गाना तो दे दो. सो ही गेव अस अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, रहना तू, बट दैट वॉज इन द बैकग्राउंड. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं. एंड वन ऑफ माई कंडीशंस टू उमेश वॉज कि एक नहीं, मुझे कम से कम दो गाने चाहिए इनके साथ. So thankfully we all got very lucky because we got to perform with who we consider to be the best. So bahut maza aaya and he's still the best. He's fantastic. Thank you so much. Abhishek sir, yeah in the middle. Yeah. Trailer bahut hi acha laga. Congratulations to the team aur aapko bhi bahut congratulations. Aapne 15 saal pure ke Bollywood mein. Dhanyawad. Jo aapne abhi jo character, jo aapka character, humne bahar poster dekhe to wahan pe likha hai a selfish son. Lekin yahan trailer mein hum dekh rahe to ek loyal, ek बहुत यू नो जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है. तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. जी देखिए, कहानी जो है देयर हैज टू बी एन आर्क, देयर हैज टू बी अ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर. जब ये फिल्म शुरू होती है एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम्स. मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है.
थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था. सो आई थिंक द मूवी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन एंड बाय द एंड ऑफ इट होपफुली ही रिडीम्स हिमसेल्फ. मुझे लगता है जैसे उमेश ने पहले भी कहा कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, आई थिंक वंस दे कम आउट दे विल क्वेश्चन देमसेल्व्स. आई रिमेंबर टेलिंग उमेश द फर्स्ट टाइम ही नरेटेड द फिल्म टू मी दैट द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली वेंट बैक एंड हग्ड माय पेरेंट्स. कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में एंड एंड आई होप दैट्स व्हाट द ऑडियंस कैन डू एज वेल. इट मेक्स यू रियलाइज आई एम श्योर फॉर चिंटू अंकल एंड सुप्रिया जी दे हैड अ डिफरेंट इमोशन एंड अ डिफरेंट जर्नी बट फ्रॉम आई कैन स्पीक फॉर आस इन इफ आई मे as children it really makes you question ki what all we are doing for our parents. Aaj ke mahol mein I feel there's so much competition, bhag daud itni ho gayi hai ki we forget the small gestures, just going back, spending time with your parents, unke sath baat cheet kare, khana khaye. We forget these things in today's generation and I really hope that after seeing this film we can make a change in that. असिन जी मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक. इतना साल जो आपका जो गैप रहा एक डेढ़ साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? क्या आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? ही वाज वर्किंग ऑन ऑल इज वेल, ही वाज कंसंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन ऑल इज वेल. आई एग्री टू दैट. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूं. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में, जो पहले था वैसी स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. सुप्रिया जी माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर. दिस फिल्म इज ऑल अबाउट फैमिली, सो टॉकिंग अबाउट योर रियल लाइफ फैमिली, शाहिद इज गोना गेट मैरिड वेरी सून, सो व्हाट आर द प्रिपरेशंस लाइक इफ यू वुड लाइक टू शेयर? आई विल टॉक अबाउट द फिल्म. My family in the film, I agree to that. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूँ. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में, जो पहले था वैसी स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. सुप्रिया जी माई क्वेश्चन इज फॉर यू हियर. This film is all about family, so talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon, so what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, Abhishek was just saying that the children will learn from this film. I think the parents will also learn that how many things we do wrong. And we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening. But it's like a normal wedding house, I suppose. The film's releasing on the 21st of August. Lekin Abhishek, maine suna ek surprise hai aapke paas hamare liye. Strip. So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप लोगों को ऐतराज सुनी है या कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है. प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसी चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उड़ाया? बोलिए. अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ चिंटू अंकल. वो क्या है कि द नाइट बिफोर आई केम टू योर हाउस, यू फेड मी नाइसली. द नाइट बिफोर वी ऑल हैविंग डिनर चिंटू अंकल्स हाउस एंड वी गॉट नाइस नॉन वेज फूड, से तंदुरुस्ती बढ़ी हम लोग की. नेक्स्ट डे व्हेन आई केम एंड आई स्टूड देयर, देन देयर यू वर सुप्रिया जी ऑल्सो. आई होप यू ऑल वर कंफर्टेबल, बट ऑल बिकॉज ऑफ यू चिंटू अंकल. या Hi Abhishek. That'll be the last question. Thank you. Yeah, Abhishek, you're, you know, both Mr. Kapoor. Sorry, I don't know where you are. Hi, here. Yeah. Hello. On your, it's fine. Hello. Where? Side. Yeah. Yeah. Oh, hi.
Hello, hi. Abhishek, you know, both Mr. Rishi Kapoor and you are very active on Twitter, most celebrities. And what I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You recently faced something like that and you reacted to a situation where you were deeply hurt by comments made. Do you sometimes think it becomes extremely difficult because as celebrities you're supposed to show a certain amount of patience and interact with your fans, but then you kind of also become vulnerable and you're unable to show your emotions properly and you can't lose your, you know. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to. I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that. And I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her. And nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far, and he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. I think when you're in the public domain, it's important to allow freedom of speech. It's your constitutional right. But I'm allowed to take objection to what you say. And since it is my platform and he tweeted something to me, I replied back to him. It was a message that I did directly to him. I didn't do it publicly. That was it. It's the end of the matter. And if you're on Facebook or Twitter or Instagram, this is going to happen. And it's healthy and it's fine and it's fun sometimes. Abhishek, well answered there and on the Twitter medium as well. Maybe please take questions regarding the film. And we have only two questions. Thank you. Abhishek, hi. Towards your left. Hi. Hi, Akanksha here from 9XM. Thank you, Akanksha. You're the first person who's introduced yourself. I appreciate that. Thank you. Thank you. Abhishek, it's a T-series film. Well done. Anybody can answer that. That's open to all. You know, music is an important part of the film, and that is what pulls people to the theaters. Is there some song, that's going to be like a chartbuster? Well, as people associated with the film, we think every song should be that. At the end of the day, the audience decides. I'm very confident. I think it's a fantastic album. I think Bhushan has a fantastic ear for music. Coupled with Umesh, I think they've done a brilliant job. All the composers that have worked on the film have done a great job. And music is an integral part of our films. It's part of our culture. We have a musical culture. It's only normal that that is going to come down in our films. It is a very important part, and I'm very confident of the album that we have. I think we have a mix of everything, you know, all kinds of songs. And I really do, I'm very excited about the album because I'm dying to get my hands on it so I can hear it. They're wonderful songs, and I think you'll enjoy them. Good evening. I have one more question. आप आदर्श बेटे हैं वैसे तो हम सब लोगों के सामने दैट्स द इमेज दैट वी हैव ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू शेयर विद योर फादर बट हैज देयर बीन एनी इंस्टेंस जब आपके और मिस्टर बच्चन के बीच में कभी डिफरेंसेस हुए हो फर्स्ट लेट मी जस्ट थिंक हाउ शी इज गोइंग टू मेक अ हेडलाइन टुमारो नो क्योंकि वो मुझे बेटा मानते ही नहीं है ही ट्रीट्स मी लाइक हिज फ्रेंड उन्होंने मुझे बचपन में ये सिखाया था कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने उनसे कहा था कि जिस दिन आपके बेटे आपके जूते पहनना शुरू कर दे ही स्टॉप्स बीइंग योर सन एंड ही बिकम्स योर फ्रेंड एंड एवर सिंस आई थिंक आई वॉज 10 or 11 आई स्टार्टेड वेयरिंग माई डैड शूज एंड यू नो मेटाफोरिकली आई स्टिल हैवंट मैनेज्ड टू फिल हिज शूज बट आई एम ट्राइंग बट माई डैड इज माई फ्रेंड सो Okay, you don't want the answer? Oh, okay. So no, he never disagrees. He's very supporting. And whatever I do, if he might have a difference of opinion, he still gives me the opportunity to explain why I chose something and what my feelings were, and then he trusts me. So no, we haven't had any disagreement. Rishi, you with regards to Ranbir, kabhi hua hai aisa kuch? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only.
Okay, that was to everyone on the platform, the stage. First of all, congratulations, I'm here. Beverly from NDTV. Hi. Hello. Okay, that's the last question. Hello. Thank you. You. I'm very good, and it's good to see that all is well on stage. Thank you. And unfortunately, all is not well at FTII. You must have heard about the student protests that are happening at FTII. Would you like to make any comment on that? Because the students, I'm sure you're aware of why they're protesting. Because they feel I don't think, Beverly, this would be the appropriate platform to do that. Okay. You know, being here to release the trailer of a film is not the right platform. If we meet at a more somber occasion, I think that would be a better platform to answer. Thank you, Abhishek, for being and a fabulous... May we have one more question, please? No, thank you very much. We'd like the photo. No, ask. We have lots of time. Ask. It's for the director, Mr. Umesh. You're myself, Vaishali Chandra from Koimoi. So as we from? Can see, Koimoi.com. Koimoi, thank you. Koimoi.com, okay. Yeah. As we can see, I would like to know what is the time frame, because humne dekha hai bahut limited costumes mein humne characters ko dekhe hai on screen. So kya time frame hai? Is it just 1-2 days? No, time frame is 48 hours. The days, the story. Yeah, story is 48 hours. 2 days, yeah. Thank you. Hello, Umesh. Umesh, over here, towards your left. Right, sorry. Right. Yeah, yes. You decide to क्या आपके माइंड में कभी ये था कि आप अमित सर और अभिषेक बच्चन को ये मूवी में कास्ट करें एक साथ? नहीं, ये आइडिया कभी नहीं नहीं था. चिंटू अंकल, व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज दैट नोबडी एल्स कैन प्ले दिस रोल बट हिम. एंड व्हेन उमेश फर्स्ट नरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, इवन बिफोर वी फिनिश्ड द नरेशन, वी बोथ ऑलरेडी न्यू दैट वी वांटेड टू गो बैक चिंटू अंकल टू डू द फिल्म. And I was narrating at that time only. I was telling him कि ये चिंटू जी ही करेंगे. तो पहले से वो तय था. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा. मेरे राइटर्स यहाँ पे हैं. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. सुमित एंड नीरेन, जस्ट वेव. अब हम देखें वो गाना जो धमाका करने वाली है, चार शनिवार. और लेकिन इससे पहले एक फोटो अप हो जाए साई टीम के साथ प्लीज. ये बैठो रे, ये बैठो रे, स्टिल